दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में माउस का डर। दोस्तों, ये बात सही है कि अब हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हमने कभी कंप्यूटर चलाया नहीं है। जब कंप्यूटर कभी नहीं चलाया तो इस माउस को कहाँ से चलाया होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बात सही है कि जब हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें माउस का तो डर बिल्कुल रहेगा। पर दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में माउस से हमें नहीं डरना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक कंप्यूटर चलाना या माउस चलाना अलग बात होती है, पर ऑनलाइन एग्ज़ाम आराम से हमारा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका आराम से हो सकेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक ये माउस है। ठीक है, इस माउस में तीन बटन होते हैं, एक ए बटन है, एक ए बटन है, एक ए बटन है, स्क्रॉल बटन। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूँ, ऑनलाइन एग्जाम में ए जो बटन है इसे बोलते हैं राइट बटन। राइट बटन का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। ठीक है, ए जो है दोस्तों पूरा ऑनलाइन एग्जाम हमारा सिर्फ लेफ्ट बटन से होता है, इस बटन से जिसको मैं दबा रहा हूँ अंगूठे से, और कुछ परसेंट में, एक दो परसेंट में इस बटन का यूज होता है, इसे बोलते हैं स्क्रॉल बटन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं अभी कंप्यूटर चालू करूँगा तो इसमें माउस हमारा एक्टिव हो जाएगा, अभी माउस में लाइट आ जाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये माउस हमारा एक्टिव हो चुका है। अब हम क्या है दोस्तों, इस माउस से ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये अपना ए बटन है, एक ए बटन है, एक स्क्रॉल बटन है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूरा का पूरा इस बटन का यूज है, इस बटन का सिर्फ थोड़ा सा यूज है 1% में। ठीक है दोस्तों, फिर भी मैं आपसे बोलूँगा, अब आप इतना बड़ा ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपने पैसे भी खर्च कर दिए, तो दोस्तों प्लीज़ अब आप क्या करें, ज़्यादा कुछ ना करें, सिर्फ 10 मिनट इस माउस को चलाना सीख लें। ठीक है, और आराम से आपका ऑनलाइन एग्जाम हो सकेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।